अजीत यादव। हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर, जो कि 85 गज में बना हुआ है। अभी इस बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं ये एंट्री करते हैं हमारा ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम का साइज आप देख लो, काफ़ी बड़े साइज में ये ड्राइंग रूम होने वाला है अपना। ऊपर फॉल सीलिंग का काम देख सकते हो, प्यारा सा फॉल सीलिंग का काम हो रखा है। अभी झूमर पंखे प्रोवाइड कराना बाकी है, तो झूमर पंखे प्रोवाइड करा के हम देंगे आपको। ये पूरा का पूरा ड्राइंग रूम है अपना, काफ़ी अच्छा साइज है, 2 BHK सबसे वसुंधरा में बड़ा साइज है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एलसिंग में सोफ़ा आराम से आ जाएगा। एलसिंग में सोफ़ा लगा सकते हैं आप, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमें टीवी पैनल का पॉइंट मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे टीवी पैनल हमारा मिल जाएगा, जो कि अभी आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि काम नहीं हुआ है, फिनिशिंग नहीं हुआ है इसमें। तो ये हमारा टीवी पैनल है, नीचे के साइड में स्टोरेज मिल जाएंगे आपको इस पैनल पर। और बात करते हैं हम कॉमन वाशरूम की, तो यहाँ से हमारा कॉमन वाशरूम है दोस्तों। वाशरूम का साइज भी काफ़ी बड़ा है, बड़े साइज में वाशरूम है आप देख सकते हो। तो ये हमारा वाशरूम है, इतना बड़ा तो 3 बेडरूम का भी वाशरूम नहीं मिलता है, जितना बड़ा कि हमारा 2 बेडरूम में वाशरूम है, काफ़ी स्पेस है वाशरूम में। तो चलते हैं हम, फिर आते हैं ड्राइंग रूम में। यहाँ से हमारा ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम में आने के बाद फिर आप देख सकते हो एक साइड हमें यहाँ पे बेडरूम मिलता है। तो पहले मैं आप बात आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमें किचन मिलने वाली है, जो कि पूरी की पूरी सेपरेट किचन होने वाली है। यहाँ से किचन है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप देख सकते हो पूरी की पूरी मॉडलर किचन हमारी होने वाली है। एलसिंग में किचन है, काफ़ी बड़े साइज में ये किचन बनी हुई है। यहाँ हमारा सिंक है आप देख सकते हो, और ऊपर के साइड में भी अभी काफ़ी सारे स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ हमें चिमनी का पॉइंट मिल जाता है, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टोरेज मिलते हैं। यहाँ सॉफ्ट एरिया है, जो कि सॉफ्ट यहाँ पे हमें इस किचन में मिल जाता है। और यहाँ पे आपको फ्रिज का पॉइंट मिल जाता है, जो कि आप आराम से फ्रिज यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपका फ्रिज आराम से यहाँ पे आ जाएगा, बड़े साइज का फ्रिज आ जाएगा यहाँ पे। और किचन में काफ़ी स्पेस है, काफ़ी बड़े साइज में ये किचन होने वाली है, 2 बेडरूम के लिए काफ़ी बड़ी किचन है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम बात करते हैं बेडरूम की। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट बेडरूम स्टार्ट है, इंडिपेंडेंट फ्लोर है, पार्क फेसिंग फ्लैट है, सामने पार्क है, तो मैं बालकनी से आपको पार्क दिखा दूँगा। तो एंट्री करते हैं हम बेडरूम में। बेडरूम का साइज आप देख लो, काफ़ी बड़े साइज में ये बेडरूम होने वाला है। साइज देख सकते हो, प्यारा सा बड़ा सा साइज है। ऊपर के साइड में आप फॉल सीलिंग का काम देख लो, प्यारा सा फॉल सीलिंग का काम इसमें हो रखा है। झूमर पंखे प्रोवाइड कराना अभी बाकी है, तो हम पंखे प्रोवाइड करा के देखेंगे। बेडरूम के साइज की बात कर लेते हैं, तो बेडरूम का जो साइज है 13 बाई 10 का ये बेडरूम का साइज है। यहाँ पे हमें अलमारी मिल जाती है, जैसे कि आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा, काफ़ी बड़े साइज में हमें अलमारी यहाँ पे मिल जाएगी। ऊपर फॉल सीलिंग का काम आप देख सकते हो, प्यारा सा फॉल सीलिंग का काम आपको देखने को इस फ्लैट के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे हमें इस फ्लैट में, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमें अटैच वाशरूम मिलता है इस बेडरूम से, जो कि हम इसे मास्टर बेडरूम के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये मास्टर बेडरूम हमारा हो गया। वाशरूम का साइज देख लो, काफ़ी अच्छा वाशरूम का साइज है, क्यों काफ़ी बढ़िया साइज में ये वाशरूम निकला हुआ है। बिल्डर ने हर चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़े साइज में ये वाशरूम है दोस्तों हमारा। तो ये हमारा वाशरूम हो गया, जो कि इस बेडरूम से अटैच ये वाशरूम है। तो हमारे इस प्रॉपर्टी में 2 वाशरूम होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ LED पैनल का पॉइंट दे रखे हैं, हम LED TV आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमारा सॉफ्ट एरिया है, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा, ये हमारा सॉफ्ट एरिया है। तो यहाँ सॉफ्ट हम दे रखे हैं इस,
अभी एक बार और वीडियो में बनाऊंगा जब ये फ्लैट रेडी हो जाएगा दोस्तों। अब फिर आते हैं हम यहाँ ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में आने के बाद आप देख सकते हो लाइट चली गई है, यहाँ पे लाइट है नहीं। तो बात कर लेते हैं, हम चलते हैं फटाफट सेकंड बेडरूम की। तो सेकंड बेडरूम हमारा यहाँ से होने वाला है दोस्तों। ऊपर फॉल सीलिंग का काम आप देख सकते हो, प्यारा सा फॉल सीलिंग का काम इसमें हो रखा है। यहाँ हमें बाहर से बड़े साइड की विंडो मिल जाएगी, आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इस बेडरूम में भी हमें बड़े साइज में अलमारी मिल जाती है। और इस बेडरूम में हमें यहाँ पे आप देख सकते हो एलईडी पैनल मिल जाएगा देखने को। तो ये एलईडी पैनल यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ एलईडी टीवी आप आराम से लगा लेंगे। कमरे के साइज की बात करते हैं तो 10x2 4x6 8x10 12x13 सेम कमरा है, 10x13 का ये भी कमरा है आप देख सकते हो। तो सेम साइज में ये भी कमरा होने वाला है दोस्तों। हमारा बेडरूम काफ़ी अच्छे साइज में है, वाशरूम काफ़ी अच्छे साइज में है, तो साइज की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, साइज अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें विंडो मिलती है देखने को, और विंडो के साथ में यहाँ पे हमें बालकनी मिल जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी चलता हूँ। तो दोस्तों क्या बालकनी है, बहुत बड़े साइज में 4 फीट चौड़ी बालकनी है, 4x2 4x8 4x12 4x16 16 फीट 4x16 की बालकनी है, काफ़ी शानदार बालकनी है। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर के साइड में, तो इसमें अभी काफ़ी काम बचा हुआ है। काफ़ी बड़े साइज में ये बालकनी दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने यहाँ पे पार्क मिल जाएगा देखने को आपको। पूरी की पूरी गेट कम्युनिटी है, गेट कॉलोनी है, गेट पे गार्ड बैठा रहता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। वैसे नीचे आपको पूरी की पूरी पार्किंग देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।